आज की तरफ आ रहे थे। अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, तुम्हें याद है देवी? हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनमें अत्यंत ऊर्जा भरी हुई थी। और क्या आपको याद है, इतनी कठिन यात्रा के बाद हमने जन्माष्टमी मनाया था। याद है, उन्होंने श्री कृष्णा के बारे में सुंदर कथा सुनाई थी और वे बड़े मधुर आवाज में जाप कर रहे थे। हाँ हाँ, और अत्यंत स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया था। हाँ, उन्होंने सारा व्यंजन खुद से ही पकाया था और पूरे जहाज पर बांटा था। हम सबको स्वामी जी के साथ बड़ा मज़ा आया था। तुम्हें याद है उन्होंने क्या क्या पकाया था? पूरी, सब्जी, पुलाव, समोसा, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ था। जन्माष्टमी का दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन उसके बाद समुद्र में तूफान उठने की आशंका होने लगी थी। हाँ, और स्वामी जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। देखो, इस किताब में लिखा है, उन्होंने अपनी डायरी में उस समय नोट किया था कि बारिश, जहाजी मटली, चक्कर, सर दर्द, उल्टी, भूख मर जाना। मेरे अनुसार वह सबसे कठिन समय था स्वामी जी के लिए। हमने उन्हें 3 दिन तक नहीं देखा था। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या हुआ। हाँ, मैं आगे पढ़ता हूँ।